अमृतसर विच स्थित दुर्गयाना मंदिर विच भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिहाड़ा बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के नाल मनाया गया। इत्थे बहुत ही श्रद्धा भावना नाल संगतां आ के पुज्जियां। रिपोर्टर मनिंदर सिंह ढिल्लो, नौ स्टार टीवी की यह रिपोर्ट। नाओ स्टार टीवी देख रहे दर्शकों, मैं मनिंदर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अभी अस पहुँचे हैं अमृतसर के प्राचीन मंदिर दुर्गयाना मंदिर के, जिते कि हर साल की तरह, जिस तरह कि असी देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हर साल की तरह इतने बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा नाल मनाया जाता है, उस ही तरह अज भी इतने बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है। सो असी तुहाडी इत्थों दे पंडित जिहड़े भगत जी ने उन्हां नाल तुहाडी गलबात भी करवावांगे। पंडित जी, की नाम है जी अपना? आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री दुर्गयाना तीर्थ धाम अमृतसर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, ये अमृतसर का प्रसिद्ध मंदिर है। पंडित जी, आज के दिन में बताया जा रहा है कि तीन प्रसाद जो कि स्पेशल यहाँ पे चढ़ते हैं, जैसे फल का प्रसाद हो गया, पंजीरी का प्रसाद हो गया, इसके बारे में आप हमको बताओ। हाँ जी, फल का प्रसाद चढ़ेगा पहले। अब आरती से पहले फल का प्रसाद चढ़ता है, फिर राजभोग चढ़ता है, फिर जो है क्या, आज रात को तीसरा प्रसाद है जन्म का, वो पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद चढ़ेगा। भगत जी, जैसे कि पिछले साल कोविड भी बहुत दिक्कत हो रही थी, कि संगत वैसे ही आ रही है यहाँ पे कि ये कुछ फर्क पड़ रहा है इसका? जो कोविड को लेके पिछली बार यहाँ पे इतना रश नहीं था, आज संगत इतनी देखने को मिल रही है यहाँ पे? हाँ जी, इस बार अब अच्छा हो गया है, भगवान ने थोड़ा सुन ली है इस बीमारी के बारे में, इसलिए अब रस अच्छा है इस बार। तो भगत जी, ये आज के दिन जो व्रत भी रखा जाता है उसके बारे में आप बताओ। ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है जी, भगवान के जन्म के दिन व्रत रखना चाहिए। हाँ भगत जी, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? व्रत में जो है क्या, फलाहार खाया जाता है, जो व्रत का सामान होता है, कूटू का आटा, सामक की खीर, आलू, फल वगैरह ये खा सकते हैं। और जैसे बहुत से बिना फल वगैरह खाए बगैर रहते हैं, निराहार भी रहते हैं। तो भगत जी, आज के दिन क्या दान करना चाहिए जो कि अच्छा रहता है, आप संगत को बताओ। कुछ भी दान करो, भगवान का जन्म महोत्सव है। जिस तरह बर्थडे मना अपने बच्चों का मनाया जाता है, उसी तरह भगवान का आज का जन्म महोत्सव मनाते हैं। इसमें जो भी कुछ दान किया जाए वो उत्तम है। सो देखिए जी, असी इतों के तुहाडी भगतां नाल गलबात करवाई। सो तुसी देख सकते हो कि किस तरह इत्थे मां कृष्ण महाराज जी नूं झूला दे के और उन्होंने जिहड़ियां संगतां है अपनी उन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त कर रही ने, और बड़ी ही श्रद्धा भावना दे नाल लोग इत्थे आए हुए ने। बेटा, की नाम है अपना? प्रियांशी। प्रियांशी, तुहानूं किन्हां ने तैयार कीता सी अज्ज? मम्मा। ते तुहानूं पता तुसी अज्ज की बने हो? राधा रानी बने हो। देखो बच्चों के कितना उत्साह लग रहा है और किड्डी ही प्यारी बेटी है। मैं कहांगा एक बार फिर कैमरामैन को बेटी ने दिखान। बेटा, की नाम है? सीदर। हाँ बेटा, तुसी आज राधा बने हो? हाँ जी। सीदर बोलो। यस यस। ए बेटा, किन्ना ने बनाया तैयार किया था तुम्हें अज? मामा। मामा दोनों हाथ ले चलो। आ जाओ आ जाओ। आ गए मेरा और आप ठाकुर जी की कृपा का पात्र बनते हैं। अपनी नेक कमाई से तथा शक्ति उतना कुछ हमें चावरी डाबर जी के चरणों में अर्पण करें आपके द्वारा जी। बहुत ही चंगे ढंग नाल उन्हों का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जो कि संगतां उन्हां नूं झूला दे के और उन्हों का आशीर्वाद प्राप्त कर दिया हुई। इस तरह झूला झूल के कृष्ण महाराज दियाँ खुशियां प्राप्त कर रहे हैं और तुहानूं देख रहे हैं कि किस तरह उन्हों झूला झलाया जा रहा है। कृष्ण महाराज नूं मैं कहांगा दिखाण, इत्थों देखो